Look up, Big Mac. साई एस प्लस साई पी। अब चलिए
तो OP इक्वल टू होता है साइन S, बस अंतर क्या है, यह एक पॉजिटिव वैल्यू है तो यह एक नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ पर OP इक्वल टू दिया है 780 है, इसीलिए साइन S इक्वल टू माइनस 780 है। कितना हो गया, साइन S इक्वल टू माइनस 780। साइन S का वैल्यू निकल गया, अब साइन P का वैल्यू, साइन P के लिए यानी यहाँ पर दे रखा है कितना, साइन P इक्वल टू 480 है, तो साइन W इक्वल टू माइनस 7 प्लस कितना हो जाएगा 4, इक्वल टू निकालेंगे तो कितना में आएगा माइनस 3, तो वैल्यू किस में आया माइनस में आया, तो साइन W इक्वल टू माइनस 3 पेटीएम। ये तो साइड डब्ल्यू में निकाल दिया, डीपीडी में भी निकाल के देखिए, ओपी माइनस टीपी, ओपी यहाँ पर कितना है बेटा 7 माइनस, और साइड पी इक्वल टू क्या होता है टीपी होता है ना, टीपी का वैल्यू कितना है 4, कितना आ जाएगा 380m, तो डीपीडी इक्वल टू 380m और साइड डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 380m, तो दोनों का वैल्यू सेम होता है, बस अंतर क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है तो दूसरा नेगेटिव वैल्यू है। अब साइड पी इक्वल टू टीपी, नहीं टीपी और साइड पी में ऐसा कोरिलेशन बताया मैं, नहीं, टीपी जो है अगर सेल के अंदर पानी जा रहा है तो वह एक पॉजिटिव वैल्यू है और पानी बाहर आ रहा है तो वह एक निगेटिव वैल्यू है, इस पे डिपेंड करता है। इसलिए कल डेफिनेशन मैंने लिखाया था प्रेशर पोटेंशियल का, ठीक है, कि इट इज द प्रेशर, यह एक ऐसा प्रेशर है किसी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पे जो कब डेवलप होता है, तो जब पानी या तो सेल के अंदर जाए या सेल के बाहर आए, और इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या एक टर्गर प्रेशर। तो ये प्रेशर के वजह से सेल के अंदर, आप ये समझो कि यहाँ पर बेटा जब ये वाटर की एंट्री इस सेल के अंदर होगी तो इसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा, तो एक प्रेशर डेवलप करेगा ना, तो उस प्रेशर की जो पोटेंशियलिटी है जिसके वजह से सेल का साइज बढ़ रहा है, तो उसी प्रेशर को कहेंगे हम लोग टर्गर प्रेशर, और इस प्रेशर की जो पोटेंशियलिटी है जिसके वजह से सेल का साइज बढ़ रहा है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग प्रेशर पोटेंशियल। अब समझे बात को, ये हो गया क्लियर। अब साइन डब्ल्यू का वैल्यू निगेटिव में क्यों आ रहा है, हाँ प्योर वाटर जीरो होता है, ठीक है, वो तो हम जानते हैं भाई बेसिक बात, लेकिन वैल्यू जब मैथमेटिकली यहाँ पर लेके चल रहा है तो निगेटिव में वैल्यू क्यों आ रहा है, बोर्ड के सामने आपको दिख रहा है, किसके वजह से, साई एस का वैल्यू ज्यादा निगेटिव होता है एज कंपेयर टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साई पी। यहाँ पर साई पी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस 4 में है ना भाई वो, लेकिन साई पी जो है, साई एस जो है वो ज्यादा निगेटिव है एज कंपेयर टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साई पी। साई पी का जितना पॉजिटिव वैल्यू है उससे कहीं ज्यादा साई एस का निगेटिव है, तो वही बात हुई कि मैं इस, ये जो बच्ची है हमसे 50 रुपया, मेरे पास इसका कर्ज है, यानी मैं इसको 50 रुपया दूंगा, ठीक है, और मैं इससे 20 रुपया पाता हूँ, तो मैं माइनस में हूँ कि प्लस में हूँ, माइनस में हूँ, क्यों भाई, जो देने का अमाउंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लेने के अमाउंट से, यानी पाता तो मैं सिर्फ 20 रुपये हूँ लेकिन कर्ज मुझे कितना चुकाना है 50 रुपये, तो टोटल अगर नेट वैल्यू देखा जाए तो कितना कर्ज में हूँ मैं,
₹30 कर दिया हूँ। कैसे निकाल दिया आपने? माइनस करके निकाला। उसी तरह यहाँ पर साई एस का वैल्यू ज्यादा निगेटिव है एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साई पी, और यही वजह है कि साई डब्ल्यू का वैल्यू हमेशा निगेटिव में आता है किसी भी सॉल्यूशन का। तो उसमें टर्म लगाना पड़ेगा किसका? सॉल्यूशन का, क्योंकि प्योर वाटर का निगेटिव में नहीं आएगा। प्योर वाटर का क्या होगा? जीरो। समझ गए बात को? इसको इस तरह से नोट करके दिखा दीजिए, कभी भी याद रहेगा। और ये भी दिखाइएगा साई एस, इसको जो साई एस इक्वल टू ओपी, इसलिए साई एस इक्वल टू ओपी का मतलब होता है पाई, ऐसे पाई से इंडिकेट करते हैं ओपी को, इसीलिए साई एस इक्वल टू माइनस पाई। देखो यही मेरा लिमिटिंग एरिया, इस एरिया से मैं बाहर नहीं जा सकता। अंदर बस इतना है कि ये मेरे कॉलर पे लटका है, पूरी तरह से बंद नहीं। या बताओ आप क्या कर सकते हैं? हो गया, समझ में आई यहाँ तक की बातें? अब कल सेल पे क्वेश्चन किया था और पूछा था कि ट्रांसपोर्ट किधर से किधर डायरेक्शन की ओर होगा। बने थे कल के क्वेश्चन? अच्छा, वाटर पोटेंशियल को माइनस ले लिए, वैल्यू तो टोटल माइनस में ही आएगा, माइनस में आ रहा है ना। ठीक है, ये प्रोसेस कहते हैं बस। ठीक है, तो सही है, नोट डाउन हो गया सभी का। चलिए देखिए, इसमें तीनों सेल का बताइए किसका क्या क्या लिखे थे, सब पता चलेगा। बोलो बोलो बताओ, ये इसका, ये सेल ए है ना? हाँ। इसका बताइए क्या क्या है? ओपी, ओके, और साइपी फोर एटीएम, ओके, और बी का साइएस माइनस फाइव एटीएम, साइएस
minus 5 ATM. Minus 5 ATM. 5 ATM. Or TP 2 ATM. TP 2 ATM. Or C ka? DPD 8 ATM. DPD 8 ATM. 8 ATM. Or psi is question mark. Psi is kya? वाटर का फ्लो कैसे होगा? देखिए, या तो आप तीनों सेल का डीपीडी निकाल दीजिए, या तो आप पहले तीनों सेल का साइड अप निकाल दीजिए, दोनों में से कोई एक चीज निकालना पड़ेगा, तभी हमें फ्लो मिल पाए। आइए साइड अप का वैल्यू अगर निकालते हैं हम लोग तीनों का, तो सेल ए का देखिए साइड अप कितना आ जाएगा, OP इक्वल टू क्या है इसका 7 ATM, तो माइनस 7 माइनस प्लस 4 इक्वल टू माइनस 3 ATM। अब B का आइए माइनस 5 प्लस 2 कितना जाएगा माइनस 3 ATM, और इसका DPD कितना दिया है सेल C का साइ डब्ल्यू इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 880। तो सेल हमारे पास ए बी और सी है, ए और बी का दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, यानी ए और बी के बीच में फ्लो नहीं होगा, और होगा तो इक्वल होगा। क्लियर बात? उसके बाद ए और बी दोनों क्या करेंगे सी को वाटर देंगे, यानी सी जो है वो दोनों से क्या करेगा वाटर लेगा। अब समझ के बात को, तो आपको इस तरह से डायरेक्शन दे सकता है, तीन चार चार सेल को लगा करके किसी का साई एस का वैल्यू देगा, किसी का साई बी का वैल्यू दे देगा, और साई डब्ल्यू का वैल्यू दे करके आप पूछ देगा कि वाटर का फ्लो किधर से किधर की ओर। तो आपको ये बात ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अब समझ गए? आइए साई एस का वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पर 8 ATM सिर्फ डायरेक्ट दे दिया है, तो जब तक हमें साई पी का वैल्यू या टीपी का वैल्यू नहीं मिलेगा हम साई एस का वैल्यू नहीं निकालेंगे। ठीक है, साई एस का वैल्यू निकालने किसी एक का होगा तो माइनस करेंगे ना। अगर यहीं पर हमें दे दिया कि डीपीडी इक्वल टू 8 ATM और टीपी इक्वल टू 2 ATM, तब तो हम निकाल सकते हैं कि 8 का वैल्यू कितना है, ये कितना है 10 है, ये 8, ये तो फाइनल रिजल्ट आया है ना। तो हम लोग लिखते हैं DPD इक्वल टू OP माइनस TP। ठीक है, तो यहाँ इसको माइनस 8 कर देंगे साई एस का वैल्यू माइनस, ये जो भी लाने के लिए, तो ये लिख देंगे साई डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 8 ATM इतना दिया, और TP दे दिया है, यानी साई P का वैल्यू क्या दिया है 2 ATM। तो अब उसको साई एस निकालने के लिए क्या कर देंगे माइनस में कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा माइनस 10 है ना, तो वो आप उसको निकाल सकते हैं। तो किसी एक का वैल्यू होना चाहिए। अब चलिए सॉल्यूशन है प्योर वाटर है,
एकदम प्योर वाटर है। इस प्योर वाटर में ये आपने सॉल्यूट को ऐड कर दिया, सॉल्यूट को मिलाया, थोड़ा सा सॉल्यूट को मिला। अब आपको बताना था कल कि इसमें क्या क्या बढ़ सकता है और क्या क्या घट सकता है, जैसे डीपी, डीपीडी, साई डब्लू, साई एस और साई पी, और ये कौन सा सॉल्यूशन में कन्वर्ट। बताइए क्या होगा, प्योर वाटर है या कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूट को ऐड किए तो डीपी का वैल्यू क्या होगा, डीपी का वैल्यू घटते चला जाएगा। किसी भी सॉल्यूशन में जितना ज्यादा सॉल्यूट अगर आप बढ़ाते हैं, इसका मतलब उसमें डिफ्यूजन का प्रेशर क्या हो रहा है, घटते चला जाएगा। डीपी का वैल्यू घटेगा तो डीपीडी का वैल्यू क्या होगा, हाँ बढ़ेगा। तो साई डब्लू का वैल्यू क्या होगा, साई डब्लू का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बढ़ना का सेंस दिखाने का मतलब है कि वो ज्यादा माइनस में हो जाएगा। अब हम अगर कहें कि यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर जीरो है, उस दिन भी बोला थे, तो टेम्परेचर यहाँ ठंडी बढ़ जाएगी, ठंडी का बढ़ना मतलब टेम्परेचर का और घटना हो गया, यानी कि अब टेम्परेचर -1 -2 में जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि ठंडी बढ़ गई, अरे बढ़ तो गई लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, घट गई। तो इसको रिप्रेजेंट ज्यादा माइनस में करना पड़ता है, यानी कि ये जो होगा साई डब्लू का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। और साई डब्लू का बढ़ना यानी घटना, इसका मतलब साई एस का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। सॉल्यूट साई एस का डेफिनेशन क्या कहता है हमारा, अगर सॉल्यूट को मिलाने से जो वाटर का केमिकल पोटेंशियल घटता है, यानी फ्री एनर्जी घटती है, दैट इज द सॉल्यूट पोटेंशियल। तो अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तभी तो इसका वैल्यू घटेगा। आप यहाँ पर एग्जांपल में देख लो, -7 atm है, ठीक है ना, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग माइनस में ही, क्योंकि माइनस में नहीं करेंगे तो साई डब्लू का वैल्यू क्या होगा, माइनस में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसीलिए ओपी का वैल्यू पॉजिटिव दिखाते हैं, यानी ओपी का बढ़ना कब, जब सॉल्यूट को बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है, इसीलिए। हाँ, अब जैसे टेम्परेचर वाला एग्जांपल यहाँ पे आया था कि ठंडी का बढ़ना, ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर का घटना, तो सॉल्यूट का बढ़ना मतलब केमिकल पोटेंशियल और एनर्जी ऑफ प्योर वाटर इज डिक्रीज। तो उस सेंस में लेके चलेंगे तो साई डब्लू का भी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा निगेटिव में जाएगा, तो क्या रहेगा, घटेगा। मतलब अगर निगेटिव के साइन में लेके चलते हैं ना इसको कभी भी, तो इसको रिप्रेजेंट करने के ज्यादा निगेटिव दिखाएगा, आप लिख सकते हैं मोर निगेटिव। तो साई पी का वैल्यू का क्या होगा, साई पी का वैल्यू, साई पी के वैल्यू का रोल जो है एक्चुअल में डिपेंड करता है वाटर पे, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, समझ में आई बात। तो इसका साई पी का वैल्यू पूरा का पूरा सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अब कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में
या फिर समझ लो ये जो सॉल्यूशन है वह हाइपोटोनिक है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिला रहे हैं तो क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप सॉल्यूट मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट को मिला रहे हैं तो क्या होगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। अगर कोई सॉल्यूशन, अरे हाइपो का मतलब क्या, कल डेफिनेशन क्या लिखाए थे आपको, जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन, जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है। कभी भी किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक नाम दे रहे हैं इसका मतलब कंपैरिजन है, बिना कंपैरिजन का हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर यहाँ ये सॉल्यूशन है जिसका कंपैरिजन किसी दूसरे सॉल्यूशन से हम कर रहे हैं तभी इसका नाम हाइपरटोनिक या हाइपरटोनिक दे सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल देख लो, तीन सॉल्यूशन ले लो आप, ओके, ये 10% NaCl सॉल्यूशन या 12% NaCl सॉल्यूशन और यह जो है वह 15% NaCl सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन ए है, यह सॉल्यूशन बी है और ये सॉल्यूशन सी। अब सॉल्यूशन बी को आप लीजिए, सॉल्यूशन बी जो है वह सॉल्यूशन सी के रेस्पेक्ट में क्या है? हाइपोटोनिक है और इसको 15 नहीं, इसको हम लोग 8% NaCl कर देते हैं। लेकिन सॉल्यूशन बी जो है वो सॉल्यूशन ए के रेस्पेक्ट में क्या है? अब समझ में आ रही है बात? जब तक कंपैरिजन नहीं होगा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक नहीं बोलेंगे। इसलिए डेफिनेशन खोल के देखिए, निकालिए डेफिनेशन, घर पे तो डेफिनेशन पढ़ते नहीं है, उसमें देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है एज कंपेयर टू अदर, मतलब कोई दूसरा सॉल्यूशन भी है उसके कंपेयर में तभी हम हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक बोले हैं। और इसीलिए लास्ट में लिखाए हैं कि द एक्सटर्नल सॉल्यूशन काउज एंडोऑस्मोसिस एक्जियोऑस्मोसिस एक्सटर्नल सॉल्यूशन ना कि इंटरनल सॉल्यूशन। देखिए लिखा हुआ है, तो कभी भी ये जो बात, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर बेटा जैसे हम बोले कि ये सॉल्यूशन, अभी मान लो कि हम लोग बी को सी से कंपेयर कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये हाइपोटोनिक है। अब अगर हम इसमें 3% NaCl को ऐड कर दे, प्लस कर दिए, तो अब ये 13% हो गया, तो अब ये सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो गया बी ये सी के रेस्पेक्ट में? हाइपरटोनिक हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी ये बी जो है वह इसके रेस्पेक्ट में क्या है, यानी कि अगर नहीं मिलाए तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? समझ गए बात को? तो ये आपको लेके चलना पड़ेगा, कभी भी कंपैरिजन के कंडीशन में ही हाइपर हाइपो एंड आइसो का टर्म यूज करते हैं। दो सॉल्यूशन के बीच में सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के बेसिस पर ही हाइपर हाइपो एंड आइसो का टर्म यूज करते हैं। अब समझ गए बात को? चलिए एक सॉल्यूशन में अगर आप सॉल्यूट को अभी भी आप ऐड कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट को अभी भी आप ऐड कर रहे हैं, तो ओपी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा?
ओपी का वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर ओके और टीपी का वैल्यू चलिए एक पॉइंट नोट करके लिखिए आप देखिए क्या साई इज नेगेटिव वैल्यू साई इज मोर नेगेटिव then the positive value of psi s is more negative than the positive value of psi p so psi w equal to psi w is a negative value of a solution value of a solution एक solution का psi w का value हमेशा negative होता है तो psi w is a negative value of a solution उसी तरह dpd is greater dpd ka nahi op is greater than pp op is greater than tp so dpd is a पॉजिटिव वैल्यू डीपीडी इज ए पॉजिटिव वैल्यू इसलिए डीपीडी का वैल्यू किस में आता है पॉजिटिव क्यों ओपी का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है किससे टीपीडी एलजी टीपी से और साई एस साई डब्ल्यू का वैल्यू नेगेटिव आता है क्यों क्योंकि साई एस का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू साई पी के पॉजिटिव वैल्यू से तो इसलिए ये बात थोड़ा ध्यान में रखते चलिए लिख लेते ना इसके बाद अब आपको ओके प्लाज्मोलाइट्स का कंडीशन है प्लाज्मोलाइसिस इंसिडेंट प्लाज्मोलाइसिस एंड लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस और हाँ डीपीडी का वैल्यू बताता हूँ ये हो गया देखिए बेटा सेल के एक जैसे प्लाज्मोलाइसिस प्लाज्मोलाइट सेल होते हैं और एक स्लाइसिड सेल होता है और एक टर्जिड सेल होता है प्लाज्मोलाइट सेल का मतलब हुआ कि जिस सेल में से सारे पानी निकल गए सिकुड़ गया श्रिंक हो गया सेल स्लाइसिड सेल का मतलब कि उसमें वाटर जा भी सकता है वाटर आ भी सकता है और टर्जिड सेल का मतलब जो पानी पी करके पूरा फुल हो चुका है या पानी नहीं पिए टर्जिडिटी क्या हुई है उसकी बढ़ चुकी है फाइनल हो चुकी है प्लाज्मोलाइट सेल का जो डीपीडी है वो क्या होगा स्लैसिड सेल का डीपीडी क्या होगा और टर्जिड सेल का डीपीडी क्या होगा अगर कोई प्लाज्मोलाइट सेल है
सेल से पानी निकलना, पानी का निकलना इसका मतलब टर्गर प्रेशर का बढ़ना या घटना। टर्गर का प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, माइनस में जाएगा टर्गर प्रेशर, पूरा पानी निकलेगा सेल से। और टर्गर प्रेशर का घटना मतलब ऑस्मोटिक का प्रेशर बढ़ना, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कहीं से भी पानी निकला, अभी हम सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में देखे थे सारा चीज कि सॉल्यूट बढ़ाएंगे तो ओपी क्या होगा, बढ़ेगा, और टीपी घटेगा। तो उसी तरह अगर सॉल्वेंट को बढ़ाएंगे यानी पानी को, कहीं पर पानी बढ़ेगा इसका मतलब टर्गर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। तो उल्टा भी कह सकते हैं कि पानी अगर कहीं से निकल रहा है तो टर्गर प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। उस रेस्पेक्ट में लेके चलते हैं तो अगर ग्राफ देखते हैं हम लोग, देखिए प्लाज्मोलाइसिस के सेल में जो टर्गर प्रेशर होता है वो माइनस में जाता है। किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, यानी माइनस के लिए उसको इधर रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ऊपर और इधर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। ग्राफ पढ़े होंगे थोड़ा सा तो माइनस के लिए किधर आते हैं, अपोजिट में इधर। तो ये जो टर्गर प्रेशर है ये माइनस में इधर आता है तो बढ़ेगा क्या सिर्फ उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या बढ़ेगा। अरे आप ऐसे समझो बार बार, ये सेल है और सेल में से कंटिन्यू पानी बाहर निकलेगा तो सेल सिकुड़ेगा ना भाई। सेल जितना ज्यादा पानी निकलेगा, समझो कि चीनी पानी है, या फिर चीनी पानी छोड़ दो, पानी और रेत है, रेत तो घुलता नहीं है ठीक, पानी और रेत है, तो ऐसा काम करो कि उसमें से सारे रेत को निकाल दो। या फिर और ऐसे समझो, चीनी पानी का चाशनी जानते हो, मिठाई बनाने के लिए यूज करते हैं ना चीनी पानी को, पाक बोलते हैं ना आप लोग शायद, तो जो भी चीनी पानी का सॉल्यूशन तैयार करते हैं और जब उसको हम लोग पानी को, उस चीनी पानी के सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो पानी वेपर बन के निकलेगा, तो जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड होगा कि डाइल्यूट होगा। क्यों कंसंट्रेटेड होगा, पानी निकल रहा है ना भाई, तो सॉल्यूट का बढ़ना मतलब कंसंट्रेटेड होना, और सॉल्यूट बढ़ रहा है इसका मतलब है सॉल्यूट बढ़ रहा है वहां पर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो वही चीज है ना कि जब पानी निकल रहा है तो टर्गर प्रेशर माइनस में जाएगा, घटेगा, और ओपी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो ओपी का वैल्यू बढ़ रहा है और टीपी का वैल्यू माइनस में आ गया है। तो अब क्या लिखते थे आप, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, फार्मूला यही होता है। तो आप ऐसे लिखेंगे ओपी माइनस, और टीपी किसमें है, माइनस में है, तो माइनस टीपी। तो अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, तो ये यानी प्लाज्मोलाइट सेल का डीपीडी क्या होता है, ओपी प्लस, ये लिख सकते हैं आप। तो एक प्लाज्मोलाइट सेल का हमेशा ये याद रखिएगा, ओपी माइनस टीपी। अब आइए एक टर्गिट सेल का, इसका ग्राफ हम लोग इस तरह से बना देते हैं। देखिए टर्गिट सेल में क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, टर्गिडिटी तभी बढ़ेगी ना। ये सेल है और इस सेल के अंदर अब पानी अंदर जा रहा है, ये H2O है। जिसको नहीं याद रहे वो इस तरह से बना के दिखा के लिखें कि फ्यूचर में कम से कम समझ में आए क्यों हुआ DPD इक्वल टू OP प्लस TP। प्लाज्मोलाइट सेल का DPD इक्वल टू OP प्लस TP होता है, तो क्यों, पानी अंदर जाना, ये पानी का अंदर से बाहर आना मतलब TP का घटना और OP का बढ़ना। जबकि एक टर्गिट सेल में पानी का अंदर जाना इसका मतलब क्या हो गया, टर्गर प्रेशर का बढ़ना और ऑस्मोटिक प्रेशर का घटना। तो आप देखो बेटा
एक तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर घट रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा घटेगा और टर्गर प्रेशर क्या होगा बढ़ते चला जाएगा। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर बराबर होंगे, हम कह रहे हैं कि कोई भरने से आ रहा है और हम यहां से जा रहे हैं, ठीक है ना, तो हम स्कूल से दूर हो रहे हैं और जो भरने से आ रहा है वो स्कूल के नजदीक आ रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हम दोनों मिल जाएंगे, तो वहां पे डिफरेंस क्या होगा हम दोनों के बीच का, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। यानी ओपी और टीपी के बीच का डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, जीरो हो जाएगा। तो आप जो फॉर्मूला निकालते हो dpd इक्वल टू op माइनस tp, वो एक्चुअली dpd क्या है, डिफरेंस है ना, op और tp के बीच में कितना डिफरेंस है, जब डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो ये प्लस में हो गया और जब डिफरेंस जीरो है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर टर्गर प्रेशर ये यानी कि धीरे धीरे घटते चला गया, ये बढ़ते चला गया, तो डिफरेंस जब जीरो हो गया तो इसीलिए dpd इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। dpd इक्वल टू जीरो। फ्लैसिड सेल का जो टर्गर प्रेशर है वह जीरो रहता है, टर्गर प्रेशर जीरो, तो यहां पर dpd op माइनस जीरो, तो क्या हो जाएगा, dpd इक्वल टू op। ये तीन सेल स्टेट में इस तरह से निकलेगा। हम लोग प्लाज्मोलाइसिस के
दो पार्ट होते हैं, एक होता है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस और दूसरा होता है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। और प्लाज्मोलाइसिस का उल्टा होता है डी प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस का उल्टा डी प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस और लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, ये सारी बातें तो समझनी ही है। उससे पहले एक चीज और देखो, हेडिंग दिया है यही लिखेंगे, पहले बस एक चीज और थोड़ा समझते हैं, उसको बाद में लिखाएंगे। एक दिन हम जैसे कह रहे हैं कि एक तरफ वन मोल लीटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन है और दूसरी तरफ वन मोल ऑफ NaCl का सॉल्यूशन है, तो पानी का मूवमेंट किधर से किधर की ओर होगा? और बीच में मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट है। या फिर एग्जाम क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वन मोल NaCl के सॉल्यूशन में अगर आपने एक ग्रेप्स को या किशमिश को डाल दिया तो क्या होगा? किशमिश श्रिंक करेगा या अंगूर श्रिंक करेगा या फिर टर्जिड होगा कि क्या होगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता ही है, तो क्या होगा भाई? कुछ दिमाग काम कर रहा है, दोनों तरफ सॉल्यूशन जो दिख रहा है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन तो सेम है, क्या है वहां पर? सेम है, वन मोल लीटर का सॉल्यूशन है, या फिर कहें और इसको सिंपली मोल नहीं समझ में आ रहा या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझ लीजिए, एकदम एग्जैक्ट एक लीटर पानी है और एक तरफ के एक लीटर के पानी में 100 ग्राम ये मिलाया हमने चीनी और दूसरे तरफ 100 ग्राम सॉल्ट मिलाया। एक लीटर का दो सॉल्यूशन है, एक तरफ 100 ग्राम का चीनी का सॉल्यूशन है, एक तरफ 100 ग्राम का NaCl का सॉल्यूशन। क्योंकि ग्राम में लेने से क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल वेरी करते हैं, लेकिन जब मोल में निकालते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स हो जाते हैं, इसीलिए उसमें एग्जैक्ट वैल्यू आता है। लेकिन समझाने के लिए चलिए मैं बोल दिया, एक तरफ 100 ग्राम 100 ग्राम शुगर का सॉल्यूशन और एक तरफ 100 ग्राम NaCl का सॉल्यूशन, तो पानी किधर से किधर की ओर मूव करेगा? NaCl से। क्यों भाई? आपको चीनी पानी पसंद नहीं है, 100 ग्राम शुगर में ज्यादा वो हटा देंगे, इसीलिए तो हम समझाने बोले आपको क्या हो, समझाने के लिए बोले नंबर ऑफ पार्टिकल को हटा दीजिए, हम ग्राम का सॉल्यूशन लिए हैं तो इसीलिए कंफ्यूजन के लिए हम मोल में ले लिए थे, नंबर पार्टिकल का मतलब खत्म। तब क्यों होगा? NaCl से शुगर की तरफ होगा या शुगर से NaCl की तरफ होगा? दोनों साइड होंगे? नहीं, दोनों साइड नहीं होगा, किसी एक ही तरफ होगा। आप बताइए, शुगर से NaCl, आंसर सही है। तो चूंकि क्या था कि किसी ने बोला शुगर से NaCl से शुगर की तरफ, किसने बोला दोनों तरफ, तीसरा आया आंसर। अब तीन में से एक तो होना ही है राइट। अब हमारा डाउट ये है कि क्यों होगा? क्योंकि वो NaCl के लिए NaCl और डिसोसिएट होगा, वो NaCl के डिसोसिएट होगा। थोड़ा सा सही करें, आप बताओ क्यों डिसोसिएट होगा? ओके, यानी इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन होगा। दो चीज है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब आइए, कोई रेफरेंस मॉडल लाए हैं क्या? किसी के पास कोई मॉड्यूल या कुछ बुक है एनसीईआरटी के अलावा? कोई रेफरेंस मॉड्यूल नहीं है? अच्छा, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ओपी इक्वल टू एमआरटी, ये होता है नॉन
इलेक्ट्रो लाइट के लिए और OP इक्वल टू MRTI ये होता है इलेक्ट्रो लाइट के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट से चार कंपाउंड होते हैं, वह है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, यूरिया, ग्लूकोज फ्रुक्टोज यूरिया और एक और कंपाउंड है, ठीक है ना, कोई डाइसेक्राइड है यार बोल रहा हूं। ये जो होते हैं ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कभी भी वाटर अगर मोलेकुलर मास सेम है तो वाटर का मोलेकुलर मास सेम है, यानी कि मोल कंसंट्रेशन पर मोल वॉल्यूम सेम है, तो वाटर का मूवमेंट उस सिचुएशन में हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोलाइट की तरफ होगा। जबकि NaCl क्या है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, जो आप बोले ना ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में देगा, तो इलेक्ट्रोलाइट हुआ ना ये। और जबकि शुगर क्या है, शुगर किसका, शुगर मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेम हो और फिर भी दो सॉल्यूशन किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जुटे हो तो वाटर का मूवमेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोलाइट की तरफ होता है। चलिए पहले आइए हम लोग देखते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ये बताऊंगा फिर बताऊंगा, ये थोड़ा इसका एक और एग्जांपल बोल रहा हूं। प्लाज्मोलाइसिस और ये प्लाज्मोलाइसिस में आपका आइए लिखेंगे पहले प्लाज्मोलाइसिस। देखो द श्रिंकेज ऑफ सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द श्रिंकेज ऑफ सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द श्रिंकेज ऑफ सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू एक्टिव ऑस्मोसिस श्रिंकेज ऑफ सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू एक्टिव ऑस्मोसिस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू एक्टिव ऑस्मोसिस कॉमा देखे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा स्लाइटली ब्रेक हो जाएगा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक और फॉर्म ए स्मॉल पोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक और फॉर्म इन ए स्मॉल पोर या तो ब्रेक होगा या तो टूट करके छोटे छोटे पोर का फॉर्मेशन कर देगा फॉर्म इन ए स्मॉल पोर पोर दैट सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइट सेल दैट सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइट सेल। वैसे सेल को क्या कहते हैं प्लाज्मोलाइट सेल एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस and this condition is called plasmolysis. अब अगर कोई plasmolyte cell है और उस plasmolyte cell को तुरंत hypertonic solution से निकाल के hypotonic में डाल दिया जाए तो अब क्या होगा पानी उसके अंदर जाना चालू हो जाएगा, तुरंत करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक करेंगे तो सेल मर जाएगा। अगर एक प्लाज्मोलाइट सेल को ज्यादा देर तक छोड़ दिया जाए प्लाज्मोलाइटिक कंडीशन में ही तो वो सेल मर जाएगा, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। जैसे एक इंसान मर गया आप उसे कितना भी एंटीबायोटिक दो कितना भी पानी चढ़ाओ कितना भी सलाइन वाटर दो जिंदा होगा नहीं। उसी तरह अगर कोई सेल मर गया तो अब उसके अंदर दोबारा से
सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकते हैं। तो इस प्लाज्मोलाइट सेल को अगर तुरंत हम लोग हाइपोटोनिक से शिफ्ट कर दे किसमें, हाइपोटोनिक में, तो दोबारा इसमें क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस, और तब वो सेल जो एंडोऑस्मोसिस करेगा उसकी टर्मिनिटी बढ़ते चली जाएगी। उस सिचुएशन या उस कंडीशन को कहते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहेंगे, डी यानी प्लाज्मोलाइसिस का उल्टा डी प्लाज्मोलाइसिस लिखेंगे। ए प्लाज्मोलाइट सेल, ए प्लाज्मोलाइट सेल, ए प्लाज्मोलाइट सेल इमीडिएटली ट्रांसफर टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ट्रांसफर टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इट काउजेज एंडोऑस्मोसिस दैट सिचुएशन इज कॉल्ड, या कंडीशन इज कॉल्ड, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलाइसिस। डी प्लाज्मोलाइसिस इसको कहते हैं हम लोग डी प्लाज्मोलाइसिस। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलाइसिस। उसी सिचुएशन को क्या कहते हैं हम लोग, डी प्लाज्मोलाइसिस। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलाइसिस। ये बातें हो गई। अब कंसंट्रेशन, आर का मतलब है गैस कॉन्स्टेंट,
जिसका वैल्यू होता है 0.082 एंड टी का मतलब होता है टेम्परेचर। मोलर कंसंट्रेशन ठीक है 0.082 इज द गैस कांस्टेंट ठीक है। इसी के बेसिस पर और एक होता है ओपी इक्वल टू एम आर पी और आई ठीक है फॉर इलेक्ट्रोलाइट। एक्चुअल में ये सब केमिस्ट्री वाले भी कराते हैं तो क्योंकि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है तो थोड़ा एग्जांपल क्वेश्चन पूछ देता है ज्यादातर कि इतना परसेंट NaCl के सॉल्यूशन में हम ग्रेप्स को डालेंगे तो ग्रेप्स में क्या होगा, किशमिश को डालेंगे तो किशमिश में क्या होगा, तो ये सब समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को ये करना है ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा कुछ इसमें हमें केमिस्ट्री नहीं लगाना है, केमिस्ट्री के लिए आपके अलग अलग सर हैं कराएंगे पूरा केमिस्ट्री करवाएंगे। तो अगर ये हो गया इसके बेसिस पर भी हम लोग एटीएम यानी प्रेशर वैल्यू जो है वो निकालते हैं, यानी ओपी क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर है और इस ऑस्मोटिक प्रेशर के वैल्यू को निकालने के लिए बार या एटीएम में भी हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। और जब टेम्परेचर अगर नहीं दिया रहेगा, मान लिया अगर बोल दिया आपको कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये काम करना है तब तो टेम्परेचर को लिंक, और अगर टेम्परेचर का वैल्यू नहीं दिया है तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही ये काम करना, कितने पे लेके चलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर।
भी ये दोनों चीज खोज के आना है, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस एंड एनसीपीएन प्लाज्मोलाइसिस, कल पूरा ये खोज के आना है, ठीक है। और ओपी इक्वल टू एमआरटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं, लिखिए। Solution and one mole Na mole sugar solution, one mole NaCl solution and one mole sugar solution are separated. अच्छा अच्छा हाँ, one mole NaCl solution and one mole sugar solution are separated by a semi permeable membrane and same temperature and same pressure, same temperature and same pressure, एक ही temperature एक ही pressure, ऐसा नहीं कि ये solution का temperature अलग होगा दूसरा solution का temperature अलग होगा, तब condition अलग हो जाएगी, temperature और pressure को बढ़ाने और घटाने से बहुत सारी चीजें अलग हो जाएगी। तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे दोनों सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट है, देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, या फिर लिख सकते हैं द मोमेंट ऑफ वाटर अकर्स इन विच डायरेक्शन, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन व्हाट विल हैपन से भी काम चला लेंगे, देन व्हाट विल हैपन। अभी आपको ये बनाने के लिए ये फॉर्मूला काफी है, इससे आपका हो जाएगा, ठीक है, हो गया ये। आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा लिमिटिंग और एनसीपीएन, ये आपको किसी रेफरेंस बुक में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप हेडिंग देंगे दे दे की छोड़ते हैं, लिखिए हेडिंग लीजिए ट्रांसपायरेशन। अब एकदम नया टॉपिक है ये, थोड़ा पेज छोड़ के लिखिएगा, जो क्वेश्चन दिया है उसका कलम को सॉल्यूशन करेंगे, एक पेज छोड़ दीजिए लगभग और तब नेक्स्ट पेज में सेपरेटली लिखिए ट्रांसपायरेशन। क्या है ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द डिफ्यूजन, तो लिखेंगे फटाफट इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, सबको पता है ट्रांसपायरेशन प्लांट्स में होता है, लिखेंगे द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ vapor from plant for
कर्टिस करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ट्रांसपायरेशन प्लांट का सबसे एसेंशियल एविल है, एविल कहने का मतलब सबसे एसेंशियल पार्ट है। और ये बात बोले कौन, एक कर्टिस करके साइंटिस्ट थे उन्होंने, तो उन्होंने कहा ट्रांसपायरेशन इज एन एसेंशियल एविल बाय कर्टिस, एसेंशियल एविल बाय कर्टिस। अब प्लांट में ट्रांसपायरेशन किस किस पार्ट से कहां कहां से होता है? सेल के हिसाब से चले तो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बताइए, एनाटॉमी भी पढ़ ली है आप लोग। स्टोमाटा तो कॉमन है भाई, स्टोमाटा बोल सकते हैं, तो स्टोमाटा से होता है और लेंटिसेल से होता है और क्यूटिकल से होता है। जो ट्रांसपायरेशन है वो मेन रूप से प्लांट के तीन पार्ट से होते हैं, तीन रीजन से। अगर लीफ है तो सबसे ज्यादा स्टोमाटा से होगा। लेंटिसेल याद है क्या है? लेंटिसेल क्या है? लेंटिसेल हाँ, वुडी प्लांट के स्टेप में ये अगर कोई ये वुडी प्लांट है तो जो वुडी प्लांट होते हैं उनके स्टेम में स्मॉल एक पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, इस स्मॉल पोर वाले सेल को हम लोग बोलते हैं लेंटिस। दूसरा क्यूटिकल, प्लांट के आउटर सरफेस को सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए एक वैक्सी मटेरियल होता है और उसको कहते हैं हम लोग जो एपिडर्मिस लेयर पे होता है। तो लगभग 9.9% 9 से लेके 9.9% तक ट्रांसपायरेशन जो है वो कौन कराता है? ये क्यूटिकल कराता है। 1% तक का ट्रांसपायरेशन लेंटिसेल से होता है एंड रिमेनिंग सबसे ज्यादा रिमेनिंग जो पार्ट है वो एस्टोमाटा से होता है। किससे? एस्टोमाटा से। तो ये तीन तरह का यानी तीन पार्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन हमें देखने को मिलता है। तो लिखेंगे ट्रांसपायरेशन अकर्स इन प्लांट, ट्रांसपायरेशन अकर्स इन प्लांट थ्रू थ्री रीजन, ट्रांसपायरेशन अकर्स इन प्लांट थ्रू थ्री रीजन। ट्रांसपायरेशन अकर्स इन प्लांट थ्रू थ्री रीजन, देखेंगे फर्स्ट में एस्टोमाटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन एंड लेंटिसेल ट्रांसपायरेशन। ऐसे एस्टोमाटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन एंड लेंटिसेल ट्रांसपायरेशन और लेंटिसेल का ट्रांसपायरेशन, एस्टोमाटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिसेल ट्रांसपायरेशन। हो गया। चलिए ये चीज दोनों चीज जरूर खोज के लाइएगा आप लोग।
अब हर टमाटर या जो जो ट्रांसफरेशन होता है वो कल हम लोग देखेंगे। अब उधर का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, कॉपी डीपीडी ऐसा सारा जो आपको बर्डन टाइप का लग रहा होगा वो मेन पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाकी बचे हुए पार्ट अब आगे होंगे।